कौमी असेंबली का इजलास सपहर 4 बजे पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में होगा, जिसके लिए मामूल का 6 नुकाती एजेंडा तरतीब दिया गया है। ताहम पार्लियामेंट जराए के मुताबिक हुकूमत की जानिब से तालिबान के साथ मुजाकरात, ड्रोन हमले के बाद की सूरत हाल और वजीर आजम के दौरा अमरीका से मुतालिक ऐवान को एतमाद में लिया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इजलास में नेटो सप्लाई की बंदिश से मुतालिक करारदाद लाने का भी ऐलान किया गया है। इससे पहले वजीर आजम की जेर सदारत वफाकी काबीना का खसूसी इजलास भी बुलाया गया है। खसूसी इजलास में वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान वफाकी काबीना को सलामती के उमूर पर ब्रीफिंग देंगे। इजलास में तालिबान से मुजाकरात की आइंदा हिकमत अमली से मुतालिक भी गौर होगा। सेनेट का इजलास आज सपहर 3 बजे शुरू होगा। आज खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास भी होगा, जिसमें नेटो सप्लाई बंद करने के लिए मुश्तरका करारदाद लाई जाएगी। सूबाई वजीर शौकत यूसुफ जई का कहना है कि अपोजिशन जमातों ANP, JUI फे, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने मुश्तरका करारदाद लाने पर इत्तेफाक किया है। कल मानसेरा में जलसायाम से खिताब करते हुए वजीर आला परवेज खटक ने भी बताया था कि तमाम सियासी जमातों को एतमाद में लेकर नेटो सप्लाई बंद की जाएगी। मैंने कल सूबाई काबीना का इजलास बुलाया है, उसके बाद सूबाई असेंबली का इजलास बुलाया है और सारी पार्टियों को एतमाद में लेकर इंशाल्लाह ताला हम फैसला करने वाले हैं कि इस नेटो के सप्लाई को बंद करेंगे जब तक ड्रोन हमले बंद नहीं होंगे। हफ्ते के रोज तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने ऐलान किया था कि नेटो सप्लाई रोकने के लिए कौमी और 3 सूबाई असम्बलियों में करारदादें पेश की जाएंगी। उन्होंने कहा था कि उनकी हुकूमत रहे न रहे खैबर पख्तूनख्वा से नेटो सप्लाई नहीं गुजरने देंगे।